निरंकार देवता का जो पुजारी होता है उसके आगमन पर उसके साथ में उसके चौर और छत्तर अर्थात त्रिशूल के साथ में देवता का निशान मानकर जो है उसका आने की खुशी में समस्त देवी देवता और उनके साथ में अन्य लोग भी नाचना शुरू करते हैं, जो कि ढोलदमों में इस तरह की ये रिपोर्ट है। जागरी अतिथि सत्कार के बाद निरंकार के जितने भी न्यूज निशाने हैं छत्तर चौवर त्रिशूल इन सबको भवन में प्रवेश कर दिया जाता है। भवन में प्रवेश होने के बाद निरंकार देवता के पहले मुख में मांगल गीत जागर के द्वारा गाए जाते हैं, जिसमें मांगल गीतों के बाद भव्य जागर होने के बाद भी समस्त देवी देवताओं का आह्वान होता है और वो भव्य जागर पर प्रकट होते हैं। समस्त देवी देवताओं को नाचने के बाद सभी देवी देवता बक्षट होते हैं और वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर पहिया का एक पेड़ होता है जिसको टीका लगाया रहता है, उसकी 5 टहनियाँ काट कर वहाँ पर लाई जाती हैं जहाँ पर निरंकार देवता की पूजा अर्चना होती है, जिसको वहाँ पर लाना अनिवार्य होता है। उस पेड़ का वहाँ पर बहुत बड़ा माथम होता है। पहिया की टहनियों को काट कर जब सभी दर्शक बंधु अथा सभी देवी देवता ढोलदमों और डौर थाली के साथ घर की तरफ लौटते हैं तो अंदर भवन में प्रवेश होते ही समस्त देवी देवता फिर से नाचना शुरू कर देते हैं। पूरी तरह से सुविधा न मिलने के कारण हम आपको वीडियो पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा के आभारी हैं। आगे और भी अन्य वीडियो में आपको शुरू से आखिरी तक की जानकारी निरंकार देवता की पूजा के बारे में दी जाएगी। और साथियों समस्त श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि कोई भी अड़चन लगाने की कृपा नहीं करें।